हिमायत किया होंगी देश का। ये है 7 साल की दिशी। ये गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है। वो कहते हैं ना, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। 7 साल की दिशी इस बात को सार्थक करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। जब दिशी दौड़ती है तो ऐसा लगता है मानो वो हवा से बातें कर रही हो। 3 किलोमीटर की दौड़ दिशी सिर्फ 12 मिनट 4 सेकंड में पूरी कर लेती है। अगर उसे सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ाया जाए तो शायद इससे भी कम समय लगेगा। दिशी ने राजस्थान की बाल धावी का पूजा बिश्नोई के रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा किया है। जिस तरह का जज्बा और आत्मविश्वास इस खिलाड़ी के अंदर है, उसे पूरी उम्मीद है कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाएगी। महल 7 साल की मासूम बच्ची है दिशी वशिष्ठ। ये आपके सामने आप देखें, ये है दिशी वशिष्ठ। महज 7 साल इसकी उम्र है और इसने अभी से ही वो करिश्मा करना शुरू कर दिया है। शायद हमें एक उम्मीद दिखाई दे कि जो महिला एथलेटिक्स में शायद एक गोल्ड मेडल और देश को मिल सके, ऐसी ये बच्ची है, इसने शुरुआत की है। इसी से बात करते हैं। सबसे पहले दिशी, सबसे पहले ये बताएं कि रेस की तरफ कैसे गई आप? कैसे रेस मतलब दौड़ लगाना ही क्यों शुरू किया? क्योंकि मेरे पापा रेस करते थे पहले, इसलिए पापा का भी मन करा कि मैं भी रेस करूँ, इसलिए। और वैसे भी मेरे पैर अच्छे उड़ते थे, इसलिए पापा ने मुझे रेस में करना शुरू कर दिया। और पूजा बिश्नोई है ना, उसका रिकॉर्ड मैं अभी तोड़ूँगी। तो पूजा बिश्नोई का आपको कैसे पता चला कि पूजा बिश्नोई ने रिकॉर्ड बनाया है? क्योंकि पापा ने एक दिन मुझे उसकी वीडियो दिखाई थी। अच्छा, तो वीडियो देखने के बाद आपका भी दिल किया कि उस रिकॉर्ड को तोड़ना है? हाँ। तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप इसके लिए? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और बहुत जल्द धाविका पूजा बिश्नोई का रिकॉर्ड तोड़ूंगी। दिशी ने अपने मन में सपना संजो लिया है कि वो एक दिन देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीत कर लाएगी। दिशी की भाग मिल्खा भाग पसंदीदा मूवी है। वो सुबह 4:30 बजे उठती है और 5:30 बजे ग्राउंड में पहुँच जाती है। दिशी दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट की नकल करती है। उड़न सिख मिल्खा सिंह को अपना आदर्श मानती है। पीटी उषा की तरह देश में नाम कमाना चाहती है। वो सुबह 4:30 बजे उठती है और 5:30 बजे ग्राउंड में पहुंच जाती है। फिर योग कर खुद को साधने की कोशिश करती है और रोज खुद को पहले से ज्यादा निखारने की कोशिश करती है। दिशी का कहना है कि बेहतरीन धावक बनने के लिए उनके पिता उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। पापा किस तरह से मदद करते हैं? मतलब अगर कोई चीज गलत होती है तो पापा मुझे बताते हैं, नई चीज सिखाते हैं। और घर परिवार में, जैसे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ तो घर परिवार वाले लोग घर में ही खेलने लग जाते हैं, फिर इतनी छोटी सी उम्र में ग्राउंड पे आके कैसा लगता है? क्योंकि और भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते होंगे, आप देखते होंगे उनको। हाँ, अच्छा लगता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो क्या ये भी सोचा है कि एक बड़ी खिलाड़ी बनूंगी देश के लिए? यस। किस तरीके की खिलाड़ी? मैं गोल्ड मेडल जीत के आऊँगी देश का। देख रहे हैं ना आप दिशी के जज्बे को। इतनी छोटी सी उम्र में ही इस नन्ही सी धावक ने एक लक्ष्य साध लिया है, जिसे पूरा करने के लिए वो खुद भी मेहनत कर रही है और उनके पिता भी अपना 100% दे रहे हैं, एक गुरु की तरह। जिस तरीके का जज्बा है, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और उस मेहनत में उनके पिता का सहयोग उनके साथ बहुत है। और दिनेश हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश, छोटी सी बच्ची है, ऐसे में मतलब गेम की तरफ ही क्यों ले जाना सही समझा? गेम इसको पसंद है, गेम करना वैसे भी, तो इसके पैर भी अच्छे उठते हैं। सब लोगों ने बोला इसको अच्छी रनर है, तो रनिंग इसको पसंद है तो रनिंग में डाला इसलिए। तो क्योंकि जैसे पूजा बिश्नोई का रिकॉर्ड है, तो क्या उसी को देख करके आप लोगों ने तैयारी करवानी शुरू की या? नहीं, उसका रिकॉर्ड कोई वो मायने नहीं रखता, ये वैसे ही एक रिकॉर्ड बना चुकी है। तो पूजा बिश्नोई का तो काफ़ी टाइम पहले ही तोड़ चुकी है रिकॉर्ड, तो अभी तो देखो क्या कुछ होता है। तो किस तरीके से शुरुआत करते हैं सुबह से शाम तक, किस तरीके से? क्योंकि चलो अब तो कोविड की वजह से स्कूल भी बंद हैं, लेकिन किस तरीके से शुरुआत होती है? क्योंकि महज 7 साल की उम्र है, ऐसे में बच्चे को ढालना एक बड़ी चुनौती होती है। नहीं, इसको ढालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं कभी हमें। ये खुद सुबह 4 बजे उठती है, हमें भी उठाती है, बल्कि हम कभी लेट हो जाते हैं तो ये 4 बजे उठाती है हमें, और 4 बजे उठाने के बाद फ्रेश होती है, सब कुछ करती है। 5:30 बजे तक ग्राउंड में लेके हमें आती है ये कि पापा चलो प्रैक्टिस करनी है मेरे को। तो इसको खुद का इंटरेस्ट है रनिंग में और रिकॉर्ड बनाने का, और इसका खुद का सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड लाने का। ऋषि के पिता ने बताया कि जब उन्होंने बेटी को भागते हुए देखा तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही चीज आई कि बेटी को एक अच्छी खिलाड़ी बनाना है। उन्होंने इसके लिए मेहनत शुरू कर दी। हालांकि अभी तक उनके पास ऐसा कोई प्रोफेशनल कोच नहीं है जो उसको दौड़ के बारे में बेहतर ट्रेनिंग दे सके। अगर उन्हें इस तरीके की सुविधा मिल जाए तो उनकी बेटी एक अच्छे खिलाड़ी की तरह देश का नाम रोशन कर सकती है। जिस तरीके से उनकी बेटी मेहनत कर रही है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो अपने लक्ष्य को जल्द हासिल करेगी। जिस तरह से दिशी भागती है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दिशी वो मुकाम हासिल कर लेगी जिसके लिए वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैदान में भागना शुरू कर देती है। दिशी तो अपने लक्ष्य को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस नन्ही धाविका के परिजनों का कहना है कि प्रशासन और सरकार भी उसकी मदद करे ताकि भविष्य में वो अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर सके। मैंने इसको देखा था बच्चों में दौड़ते हुए, छोटे छोटे बच्चे गली में दौड़ रहे थे, तब मैंने इसको देखा तो ये उनसे काफ़ी फास्ट दौड़ रही थी। तब मेरे दिमाग में भी ये आया, मैंने इसको भी बोला कि पिताजी जो दिनेश हैं उनको भी बोला कि भाई ये लड़की अच्छी दौड़ रही है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। उसके बाद मेरे को पता चला कि इसने दौड़ना शुरू किया है, अच्छी दौड़ दौड़ रही है, और अभी जैसा कि हमने सुना भी है पिछले 4-5 दिन पहले इसने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। 3 किलोमीटर की रेस तकरीबन 12+ में क्वालिफाई किया है, प्राइज़ भी जीत के आई है। तो ये एक खुशी का लम्हा था हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि ये लड़की आगे जाए। जहाँ तक लड़कियों की आज बात है तो लड़के और लड़कियों में तो कोई फ़र्क नहीं आजकल, लड़कियाँ आगे जाएं, इसको स्पोर्ट मिले, प्रशासन की सपोर्ट मिले, स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो इसकी तरफ ध्यान दिए, और कोई कोच नियुक्त किया जाए तो ये और अच्छी शार्प होके आ सकती है इसकी पर्सनैलिटी। दिशी जिस स्पीड से भागती है उसे देखकर हर कोई हैरान है। इस हीरे को निखारने के लिए जितनी मेहनत उसके पिता कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी इसके लिए आगे आएगा। दिशी के पिता ने लिम्का बुक्स ऑफ गिनीज में नाम दर्ज करवाने के लिए भी संपर्क किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में प्रशासन का दिशी के लिए आगे आना बेहद जरूरी है। दिशी की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में ओपन दौड़ प्रतियोगिता में दिशी ने युवाओं को न केवल पीछे छोड़ दिया बल्कि दूसरा स्थान भी हासिल किया। अब उसका लक्ष्य देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाना है, जिसको लेकर वो कड़ी मेहनत कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसका ये सपना पूरा हो। पिता ने शुरुआत करा दी है, पूरा परिवार सहयोग कर रहा है, और इनको ये तो पूरी उम्मीद है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो नाम दर्ज होगा ही होगा, और जो पूजा बिश्नोई है उसके रिकॉर्ड को ये 7 साल की मासूम बच्ची तोड़ेगी और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में भी वही टीस के खेल के लिए अच्छे कोच नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस बच्ची को भी एक बेहतर कोच, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो ये भविष्य में देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेगी। और जिस तरीके से दिशी ने खुद बताया है कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाना उनका लक्ष्य है, तो एथलेटिक्स में भी एक गोल्ड आने की उम्मीद हमें इस दिशी में दिखाई दे रही है। और अगर इसको बेहतर और प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिले और जो खेल विभाग है, हरियाणा सरकार का खेल विभाग भी अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो एक सुनहरा मौका वो देश के लिए दे सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।